नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, चना दास चोर है परंतु इंसान सही है। वाइल्ड बच क्रिएशन एंड निक्स इंटरनेशनल स्कूल। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बापू भवन हाल में नाटक चना दास चोर है, इस पर जबरदस्त बच्चों ने अपना जलवा दिखाया। साथ ही लोगों को यह सिखाया कि हम सत्य की राह पर भटक गए, हमें सत्य की राह पर चलना है। हमें बात बात पर झूठ बोलते हैं, परंतु हमें चना दास जैसा हमें बनना चाहिए। सुनील यादव यह बताया कि हमें नाटक के माध्यम से लोगों तक में संदेश देना चाहते हैं कि लोग अब सत्य की राह पर चलें। चना दास चोर है पर सत्य बोलता है, परंतु हम लोग अब बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, ये सब ठीक रहा, हम भटक गए हैं। इस तरह के 14 कार्यक्रमों को दिखाया गया, जिसको सभागार में भीड़ की कतार लगी रही। जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और अभी फिलहाल जो हम लोग नाटक प्रस्तुत किए, ये हबीब तनवीर जी द्वारा रचित चरण दास चोर नाटक था, जो करने में हम लोग बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये इसका आपने जो भूमिका निभाई, कैसे लगा आपको, कैसे कर पाए आप ये चरण दास चोर की भूमिका? इस नाटक की सबसे मुख्य भूमिका है, जबकि इसमें सारे छोटे से छोटे पात्र भी मुख्य भूमिका ही है, लेकिन चरण दास चोर का कैरेक्टर करना काफ़ी मुश्किल काम था। और स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोगों ने बहुत सराहा, ये बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इससे भी अच्छा काम करूँ आगे, इसलिए सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इस कार्यक्रम में पहुँचे तो क्या आपका परिचय है? मैं गायिका सुनील। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? कार्यक्रम में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस जीवन के अभिनय को देख कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अपने जीवन में बहुत सुधार करने की कोशिश। क्या कार्यक्रम देखे, कैसा कार्यक्रम था यह कार्यक्रम? चरण दास चोर नाटक का मंचन था। आज का जो प्रवेश चल रहा है, जो लोगों को मानसिकता बदल गई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यह नाटक से हमें यही लोगों को बताना था कि मतलब अभी जो आदमी का दौर चल रहा है, इतना जो चोर है, इतना सच्चा है, तो इस तरह से चोर की तरह अपने जीवन में भी सच्चाई होता है। और क्या बताइए? मेरा नाम बाबा पांडे। क्या प्रधानाचार्य हैं और इस कार्यक्रम को देखने कैसे लगा आपको इस कार्यक्रम? मेरा मानना है कि हमने जो किया है वो एक सोए हुए मनुष्य के आत्मा को जागृत किया है। कहने का मतलब है कि आज के समाज में लोगों की जो मानसिक सोच है वो एक दूसरे के प्रति जो होनी चाहिए वो नहीं है। हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है लोगों को उनकी सोच को जागृत करना, लोगों के बारे में सोचना। जैसे चरण दास जो चोर है, उनका अगर पात्र देखा जाए तो वो चोरी करते हैं, लेकिन सही मामले में एक अच्छे इंसान। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जनता को एक सच्चाई से जागरूक करें, एक सच्चाई से मिलकर आगे भी इस तरह कार्यक्रम चलेगा। हाँ, लोगों को जागरूक, हमारी यही पहल होती है कि हर बच्चों को इस क्षेत्र में लाया जाए। और उन जो ये हम अगर देखा जाए तो जो बड़े हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो छोटे आके बहुत आगे कर जाते हैं। तो प्रयास लगभग यही रहता है कि बच्चे आए। आपको स्कूल के बहुत सारे बच्चे नाटक में बहुत ही भाग ले, जो शाहिद भी उनको देखा, कैसे आप इनको मैनेज कर पाए आप इन बच्चों को अंदर? बच्चों की प्रतिभा होती है और उसको देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चे कर सकते हैं। और फिर हमारी कोशिश भी यही रहती है कि इन बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में मौका दिया जाए। आप अपना परिचय बता दीजिए। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामपुर में हम लिए किस प्रकार का कार्यक्रम आज हुआ है? ये आज जो है नाट्य कला का एक शानदार प्रदर्शन यहाँ हुआ, जो चरण दास चोर डॉक्टर हबीब अनवर जी द्वारा रचित था, उसके निर्देशक थे समीर खान जी। और यहाँ चरण दास चोर के रूप में जिन्होंने अपना अभिनय किया वो बहुत ही उम्दा रहा।
ये ऐसा नाटक जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है, साथ ही आज जिस प्रकार का असत्य का वातावरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपने कर्तव्य पर अडिग रह करके सत्य को किस तरीके से अपने जीवन में उतारे, इसका सुंदर मंचन प्रस्तुत किया गया है। इस कला के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस कला के माध्यम से समाज में जो विधाएं लुप्त हो रही हैं, नाट्य कला को एक जीवन बलिया में दिया जा रहा है और इससे नाट्य कला जीवंत तो होती जा रही है बच्चों के अंदर, कलाकारों के अंदर उस समय की परिस्थिति को जानने का अवसर मिल रहा है। साथ ही आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, अपने साहित्य की धरोहरों को कैसे बचा सकते हैं, इसका सुंदर प्रतिपादन किया जा रहा है। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर जनार्दन लाल, प्रधान संपादक माननीय विचार। किस किस प्रकार का आज कार्यक्रम है जो आप उपस्थित हैं? किस प्रकार का कार्यक्रम आज है बाबू? नाटक जीवन की अनुकृति है और मनुष्य अपने को जीवंत रखने के लिए नाटकों के भीतर रखने को उतारता है। हम जीवित रहें और इस जीवन के पीछे मनुष्य के अंदर जो इंसानियत है वो इंसानियत का दीप बुझने न पाए, इस दीप को जलाने के लिए हम मंच पर एकत्रित हुए हैं। और सच्चाई ये है कि संगीत इसके लेखक और लेखक ही नहीं मंच को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले मनीषी रहे हैं और उनके ये मानस पुत्र मानस पुत्रियाँ यहाँ उपस्थित होकर न केवल चंदीर को वर मनुष्य के अंतःकरण में बैठी हुई इंसानियत को जगाने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये केवल पात्र नहीं, इंसानियत को जीवित रखने वाले ये दीप स्तंभ हैं। इन दीप स्तंभों से न केवल बलिया की माटी को वरन पूरे हिंदुस्तान की सरजमी को बलवती आकांक्षा के साथ। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार गिरी है, मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ। मैं आगरा एकता से 8 साल, फिलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ। 5 साल हो गए मुझे मुंबई में और मैंने बहुत सारे सीरियल में काम किया। आप किस कैसा कार्यक्रम था ये हम जानकारी नहीं कर। आज जो कार्यक्रम हुआ आपने देखा होगा, बहुत ही मज़ेदार था। आजकल का जो माहौल है आप समझ सकते हैं किस माहौल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम के नाटक के माध्यम से समाज को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आजकल ना लोग सच बोलना छोड़ दिए, तो इस नाटक का जो मेन थीम है वो है सच बोलना। अगर आप सच बोलेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ अच्छी है। आज कि युवा पीढ़ी भी भड़क गई है, ये हकीकत है। आप सच बोल रहे हैं कि आज कल युवा पीढ़ी वाकई में भटक गई है। ये नाटक एक यही संदेश देता है कि हाँ, आप अगर युवा पीढ़ी हैं और अगर आप भटक रहे हैं तो आइए नाटक ज्वाइन कीजिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए। और जो भी समाज में चल रहा है अगर वो गलत चल रहा है तो उसको रोकिए, उसके प्रति आवाज उठाइए। थोड़ा अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं विजय बहादुर सिंह मन संचालन का काम करता हूँ। जहाँ भी लोग बुलाते हैं और जैसे भी आयोजन होता है संचालन। आपको इस कार्यक्रम को संचालन करते हुए कैसे लगा आपको? देखिए, किसी भी समाज के समृद्धि उसके साहित्य के समृद्धि से होता है और किसी भी समाज के लिए कितना पुराना है कितना समृद्ध है उसका साहित्य बताता है। और हमारा साहित्य समृद्ध होता है नाटकों से, कथाओं से, कहानियों से, गीतों से, कविताओं से, क्योंकि जिस समय इनकी रचना होती है उस समय वर्तमान परिवेश को देखते हुए साहित्य की रचना होती है। आदिकाल से साहित्य की रचना होती चली आई है। कैसा हमारा समाज रहा है हम उन साहित्य से ही जानते हैं कि आज के 100 साल पहले हमारा समाज कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी, लोग कैसे थे, उनके विचार कैसे थे। इसमें नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। नाटक विचार के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मैं गुरुदेव से के साथ जाना चाहूँगा, कुछ गुरुदेव डॉक्टर जनार्दन राय जी ने जो आपके कार्यक्रम में दिखाया गया अभी, आज सत्य को असत्य को ज़्यादा बढ़ावा दी जा रही है, इसको आप क्या कहेंगे? नाटक में असत्य को बढ़ावा नहीं दिया गया,
आपने ध्यान से देखा? नहीं नहीं, आपने ये कहा जो कार्यक्रम हुआ तो असत्य की पराजित कर दिया गया, उस समय पूछना चाहता हूँ। असत्य पराजित हुआ दिख रहा है, किसी एक पात्र के शरीर को न रहने से असत्य पराजित नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, सत्य और असत्य व्यक्ति नहीं है, सत्य और असत्य विचार है। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से असत्य की जीत नहीं हो जाती और किसी एक व्यक्ति के न रहने से सत्य की हार नहीं हो जाती। सत्य और सत्य विचार है, असत्य जो विचार है वो अपनी जगह पे है, सत्य जो विचार है वो बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल अकाट्य है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भावनाओं के प्रभाव में, परिस्थितियों के अनुकूल हम अपना विचार तो व्यक्त कर देते हैं कि सत्य पराजित हो गया लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसको बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे। इसकी सार्थकता इसी से अंदाजा लगा लीजिए, चरणदास चोर नहीं रहा, चरणदास चोर स्वर्गवासी हो गया, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि चरणदास चोर जैसा व्यक्ति जब असत्य नहीं बोल रहा था, सत्य बोल रहा था, तो आज हम सबको भी सत्य बोलना चाहिए। उसने मर के सत्य विजेता रहेगा, सत्य जीवित रहेगा, इसकी परिकल्पना को साकार करें। अपने थोड़ा परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम समीर खान है, मैंने इस नाटक का निर्देशन किया था। कैसा लगा आपका ये निर्देशन करते हुए कार्यक्रम? कैसा आपको लगा इस कार्यक्रम को देखते हुए, निर्देशन देखते हुए? नाटक देखिए एक समाज का दर्पण है, और हम नाटक के माध्यम से जो कुछ समाज में देते हैं, अच्छा बुरा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि समाज में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और नाटक में बहुत सारी विडम्बनाएँ आती है, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है नाटक करने का, नाटक एक मिशन के तौर पे है जिसे हम समाज में कुछ दे सकें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम आप इस कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा उत्साहित भी थे, और इस उत्साहित से और लोगों तक आपका मंच भी भरा हुआ आ रहा है, तो क्या इन लोगों में बदलाव आ सकता है? जो जरूर, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने भी शुरुआत जब नाटक किया था तो हम लोगों को भी लगता था कि नाटक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमारे अंदर भी किसी ने उत्साह भरा इस नाटक को करने के लिए। जब हम नाटक करने लगे तो लगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए बढ़िया कर रहे हैं, और उत्साह हमेशा रहता है हम लोगों के अंदर, और हमेशा रहता है।